राहुल गांधी जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, कीर्ति आजाद जी, रमेश कुमार जी, मदन मोहन झा जी, तारिक अनवर जी, प्रमोद तिवारी जी, नरेश सैनी जी, पूनम आजाद जी, शुभम शर्मा जी, प्रमोद यादव जी, युद्धराज चौधरी जी, सतीश लोहिया जी, अमरिंदर सिंह जी, और बहनों और भाइयों, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। भाषण सुन सुन के थक तो नहीं गए? चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, सब पार्टी के उम्मीदवार आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण करते हैं। आजकल कभी कभी ऐसे लगता है कि मुद्दे गायब हो रहे हैं और बयानबाजी बहुत हो रही है कि नहीं? जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो कौन से हैं बताइए। जब आप यहाँ आते हैं देश भर से, किस चीज को ढूंढने आते हैं? रोजगार को ढूंढने आते हैं। परसों, कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, आप सबने सुना होगा। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने जो वादे किए थे, जिसके बारे में सबने इस मंच पे आपको याद दिलाया, उन्होंने उसके बारे में आपसे बात की, नहीं की ना? दरअसल ये है, बात ये है कि चाहे भाजपा के नेता हो या आम आदमी पार्टी के, अपनी प्रशंसा में रहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जो आपके काम की बात है उसके बारे में कम बात करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें 7 औद्योगिक क्षेत्र में से 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं, ये लिखा है। 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जब आपके सामने भाषण देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते। क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना संयोग है या प्रयोग है? बता सकते हैं कि 35 सालों में जो बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा हुआ है, ये क्या संयोग था या प्रयोग था उनका? वे कहते हैं कि विपक्ष ने काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। और बयान सुनिए, यहां यूपी के कितने लोग हैं? ये बयान सुनिए, बहुत मजेदार बयान है। गृह मंत्री जी आए प्रचार करने, गृह मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे। अब मैं यूपी की प्रभारी हूं कांग्रेस पार्टी की, थोड़ा बता दूं कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है। देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था, आज क्या हालात है वहां की? भाजपा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को त्रस्त किया है मैं बताती हूं। यूपी की जो बेरोजगारी की दर है वो देश में सबसे ऊंची है। हर दो मिनट एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर 90 मिनट
एक बच्चे के खिलाफ अपराध होता है, हर रोज 30 दलितों के साथ अत्याचार होता है, हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा बेरोजगारी सबसे ऊपर है और शिक्षा सबसे नीचे, स्वास्थ्य सबसे नीचे। तकरीबन 70,000 युवा शिक्षक भर्ती में के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हालात हैं यूपी के, जहां इनकी सरकार 5 सालों से चल रही है, और ये आपके सामने आकर ये हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिल्ली को भी यूपी की तरह बनाना चाहते हैं। यूपी सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हालात बना दिए इन्होंने। अपराध ही अपराध है, अराजकता है और विकास का कोई नामो निशान नहीं है। ये हुई भाजपा की बात, अब सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी की यह स्थिति है कि इमारत बनाई शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई, ऊपर से लीपापोती करके कह रहे हैं कि यह इमारत हमने बनाई। दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है, मेहनत से निष्ठा से एक इमारत को खड़ा करना, नए नए प्रोजेक्ट बनवाना, एक शहर को सक्षम बनाना, उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है। आप जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए। हम सब दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में पले हैं, दिल्ली में बड़े हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा जितनी सड़कें यहां बनी उनके समय में। आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा बता दे कितनी सड़क बनाई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए, मेट्रो उन्होंने बनवाया, तमाम विकास के कार्य उन्होंने कराए। आम आदमी पार्टी के नेता और भाजपा के नेता एक चीज में बहुत सक्षम है, पब्लिसिटी कराने में। प्रधानमंत्री जी 5200 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में डलवाते हैं, और केजरीवाल जी भी कोई कम नहीं है, सिर्फ दिल्ली के चुनाव में 611 करोड़ रुपए खर्चे हैं पब्लिसिटी में। अब बताइए इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है अगर काम ही बात कर रहा है, अगर आपका काम दिख रहा है तो उसे बढ़ाने चढ़ाने की इतनी क्या क्या जरूरत हो गई है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कम है। कहते हैं कि शिक्षा में बहुत कार्य किया, लेकिन जितनी पाठशालाएं और जितने विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं वे कांग्रेस की सरकारों ने बनवाए। स्वास्थ्य को देखिए, कांग्रेस की सरकारों ने तमाम अस्पताल यहां पे बनवाए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो आपसे उन्होंने वादा किया था कि कम से कम 5 अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार ने 22,000 बेड अस्पतालों में बढ़ाए थे, इनके 5 सालों में केवल 3,000 बढ़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बात एक तरह की होती है और असलियत यह है कि काम कुछ और हो रहा है, काम कम हो रहा है। दूसरों के काम के बल पर थोड़ा बहुत करके आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। जहां जहां मैं जाती हूं, दुकानदारों से बात करती हूं, छोटे व्यापारी से बात करती हूं, सब त्रस्त हैं। सब मुझे कहते हैं कि GST नोटबंदी से एकदम मार खा गए हैं, कमर टूट गई है उनकी। यहां आते हुए मैंने देखा काफी नौजवान आ रहे थे इस मीटिंग के लिए, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाव में, इसके बारे में आपसे बात नहीं की जा रही है। कोई दूसरे देशों की बात करता है, कोई फूट फैलाने की बात करता है, एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देशद्रोही है, कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो भ्रष्ट है। जब कोई सवाल उठाता है आपके पक्ष में, जनता के पक्ष में, कि आपके लिए अच्छा क्या है, यहाँ पे विकास किस तरह से होना चाहिए, रोजगार क्यों नहीं है, तब उसका मुंह बंद करने की कोशिश होती है। अब आप जनता हैं,
ये देश का केंद्र है, आप सब यहीं के निवासी हैं, बहुत समझदार हैं, पब्लिसिटी भी समझते हैं, मीडिया को भी समझते हैं, खास तौर से आप नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको अब पहचानना चाहिए। जरा अपने दिल के अंदर सोचिए, देखिए कि आपके लिए काम किसने किया है और आगे आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा प्रदेश चाहते हैं। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। संजीदगी से लीजिए कि जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आज अगर आपके काम की बात नहीं हो, अगर रोजगार की बात नहीं हो, अगर विकास की बात नहीं हो, अगर वैसे मुद्दे नहीं उठे जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है, तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। और इस गलती को ठीक करने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है, जो आपका वोट है, बहुत बड़ा हथियार है। सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। जब आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे तो आप जानते हैं, आपने परखा है, दिल्ली में आपका अनुभव रहा है कि काम करके आपको दिखाया है। जितना भी दिल्ली में विकास हुआ है कांग्रेस द्वारा हुआ है, इसीलिए 8 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, पूनम जी को विजयी बनाइए, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को विजयी बनाइए, ताकि आपके प्रदेश में दोबारा एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं का हल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।